फ्रेंड राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। 7 बज गए हैं और अब हम अपना पूरा काम कर चुके हैं, बिल्कुल सब में झाड़ू वाड़ू लगा चुके हैं, कुल्ला मंजन सब हो चुका है और गर्मी बहुत तेज है, कुछ बता ही नहीं जा सकता। गर्मी इतनी है, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, बहुत गर्मी है। और अब हम खाना आना बनाए हैं अपनों, दाल बनन तो हमने रख दी है और अब वीडियो बनाई है और काम कर रहे हैं। दाल बन गए, बन रही है, बंद कर रही है गैस, सीटी निकल गए और आम दाल का बनाई है। आधी दाल में अमिया डाले हैं कच्ची और अपने लाने टमाटर टमाटर और प्याज यार हींग जीरा डाल कर छौंक गया। पापा कहे माँ ये आम बहुत पसंद है, कच्चे आम की दाल। और आप लोग वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल का और हमें सपोर्ट करें। भैया कल पूछ रहे थे शाम का एक लोग कि आप कहाँ से हो, तो पहले ब्लॉग में हमने तो आपको बताओ तो कि मतलब कंचौसी मोड़ के पास में एक गांव है और रैया दिव्यापुर के बीच में कंचौसी मोड़ है, तो पास में एक गांव है लुखड़पुर, आप वहीं पर आते हैं, छोटे सो गांव है, गांव से है। बोली बोली से तो पता चल ही गई है कि हम गांव से हैं और हम घर में अकेले हैं और पूरी जिम्मेदारी सब मेरे ऊपर है जो भी है। पापा अब खेत से नहीं आए हैं, खेत की मेड़े वेड़े साफ हो रही हैं, कुछ बो गए हैं, तिली बोई गई है, तिली बोई गई है। और आप सब लोग ठीक हैं, खुश रहिए सब लोग और हमें सपोर्ट करिए। और वीडियो को लाइक करें और देखें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और भैया कह रहे थे कि मतलब हम यूपी से हैं तो ये दिव्यापुर और रैया यूपी में तो है। अब यूपी में बहुत सारी ऐसी जगह है जो मतलब हमें नहीं जाना था और जो पूछा था वो लोगों का कहा ना पता हो कि कहाँ से हैं, तो हमने आपको बता शायद कोई जाना था भगवंत स्टेशन पड़ा था मेरे गांव से 8 किलोमीटर दूरी पे है, तो हम यहीं से हैं गांव से, गांव में रात है, आसपास सब लोग बढ़िया है, चाची है और परिवार में ये भाभी आभी अंश की मम्मी है, सब लोग एक दूसरे से बोला था और अच्छा लगा था। अब हम घर में तो अकेले हैं तो थोड़ा बोल उल देता, बाहर चले जाकर वीडियो संग बना लेते तो अच्छा लगा रहा था। और आज का बतावा अपनी दवाई लेने जाने पड़ा दिल्ली, मेरी दवाई खत्म हो चुकी है और बर्थडे डे के चक्कर में जा नहीं पाए, नहीं तो अब तक चले जाते, परसों तो बर्थडे है तो बर्थडे तैयारी कर रहे थे। मेरी सबरी वीडियो डिलीट होगी बर्थडे वाली, अब बहुत ख़राब लग रहा हूँ, बहुत एकदम मन एकदम खुश नहीं है, जैसे मतलब खुशी है थी भाई साहब से खुशी नहीं है, तो वीडियो मेरी डिलीट होगी। कल आज अगर टिकट होगा तो आज ही चले जाइए और अगर आज नहीं हो पाओ तो फिर कल जाइए। हम तो सोच रहे हैं कि आज टिकट हो जाए और दवाई नहीं है फिर, अब खा रहे हैं दवाई तो गया तो ना हो ज़्यादा सही है, बहुत दिक्कत थी मेरे सर में, पहले अपना काम फिर से इलाज करवाओ, बहुत गर्मी है। अब दाल की ना सीटी निकल जाए फिर दाल आल छौंक कर फिर चावल बना रख दे और फिर बाद में रोटी बना लें। मेरे सर में बहुत दिक्कत थी, हमें बहुत दिक्कत भई, कम से कम 5-6 साल हो गए हैं तब से मेरे सर में दर्द होता है। पहले हमने कानपुर से इलाज करवाओ थे तो मेरे कानपुर से इलाज चलो तो एकदम टाइम से दवाई नहीं ले पाई, नहीं जा पाते, अकेले हैं घर में, कभी काम हो जाते कभी कुछ हो जाते, तो
टाइम से दवाई खाऊ नहीं पाई, और दवाई से मतलब ज़्यादा आराम नहीं मिलो। जब तक खाते दवाई तब तक तो आराम है, तो और अगर दवाई बंद कर दो तो फिर वही कंडीशन हो जाती, सर में दर्द होने लगते। जब से हमने दिल्ली से अपना चेकअप करा हुआ, दवाई ली है, मौसा लिवा गए थे, तब से हमें बहुत आराम है, और अब मेरे सर में दर्द नहीं हो, नहीं तो सर में दर्द ही होता रात तो 5-6 साल में, साल दर्द ही दर्द, दर्द बहुत दर्द हो मेरे सर में, बहुत हम परेशान हो गए थे सर से अपने। मैं चेकअप में मेरे सर के अंदर इधर अंदर फुंसी रिपोर्ट में आई है, फुंसी है, तो अब फुंसी की वजह से अगर हम बाहर बिल्कुल धूप में चले जाएं तो या समझ लो, अगर जैसे धूप में बाहर गए हैं या धूप में काम कर रहे हैं या वैसे कहीं घूमन उमन गए हैं, तो धूप में अगर हम चले जाएं तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती, सर में दर्द हो तो, और उल्टी बुखार भूख नहीं लगती। अब आराम है और अच्छे से वीडियो बना रही हैं और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें बहुत दिल से खुशी हो रही है, और मतलब हम कर रहे हैं घर की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के निभा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं, छुटकी उटकी सब लोग, चाची याची पुलुआ उलुआ सब लोग साथ में वीडियो बनवाया, नहीं था पहले कोई नहीं वीडियो बनवाते तो साथ में, लेकिन अब सब लोग साथ में वीडियो बनवा लेते हैं तो अच्छा लगा था बहुत। अंदर को काम कर लिया, फिर बाहर चाहिए बकरियों ने सानी आनी कर कर रख दिया था, और आप लोग कमेंट में बताएं कि मतलब कहाँ कहाँ से हैं, मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जाती हैं, कौन कौन से मतलब जगह तक आप हो, कौन सी जगह से, तो ये सब बातें हमें आप बताएं तो हमें पता चले, तो हमें खुशी हुई है बहुत, और बहुत अच्छी लगी है। पापा से बोला था कि संडा वीडियो बनवा लो करो, पापा पापा ज़्यादा बनवाते ही नहीं है, पहली बार तो काम वाम हो रहे हो है, अब खेत वेत पे चले जाते हैं, मूँग फली खुदी थी तब कामों का जाने पड़ा, तो अब मूँग फली मतलब खुद चुकी है, तो अब खेत वेत की सफाई हो रही है, तो पापा पापा चले जाते हैं, भैया चले जाते हैं, तो अब हम नहीं जाते हैं, और 8 बजे तक आ जाते हैं पापा, तब तक हम खाना ना बना के रख लिए थे, तो पापा इतनी गर्मी लग रही है, कहूँ खड़े हो जाओ, और गर्मी लगन लगा था, और किचन में काम करो तब तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगा था, अब तो हम वीडियो बनाते ही हैं और बनवाए लेते, कबूँ कबूँ पापा ब्लॉक में आ जाते होते हैं, सुबह वीडियो बनाए ले बनवा बनाए लेते हैं और कामों कर जाते, तो हमें अच्छा लगा था वीडियो बनाने में, वीडियो बन जाती और मेरे कामों हो जाते। आप लोग वीडियो का लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें, बहुत अच्छा लगा था मैं वीडियो बनाने में, पूरे दिन देखा था किन लोगों के कमेंट, रात में बहुत बहुत रात तक जगत रात है कमेंट पड़ा, रात है जो लोग कमेंट कर रहे थे और सबको रिप्लाई दे दिए तुरंत, हाल अगर रह जा जो लोग उनको सुबह दे दिए, ठीक हम काम कर लें, ठीक राधे राधे सब लोगों को।